तक ये मिट्टी नफरतों की फजा को हमवार होते हुए नहीं देखना चाहती। जिस तरह से पानी का मिजाज ठंडा करना है, पानी को किसी भी टेम्परेचर तक उबाल लीजिए, कितनी भी डिग्री टेम्परेचर तक पानी को उबाल लीजिए, जब आप उसके नीचे से आग जलाना बंद करेंगे, पानी का मिजाज है कि वो धीरे धीरे पहले खुद ठंडा होगा फिर माहौल को ठंडा करेगा। उसी तरह से हमारे इस प्यारे मुल्क की मिट्टी का मिजाज है, ये मोहब्बतों को अपने अंदर समेटती है। कितनी ही कोशिश करें आप इसकी फजा को गर्म करने की, इसकी फजा थोड़ी देर के लिए गर्म हो सकती है, लेकिन चूंकि मिजाज ठंडा होना है, मिजाज मोहब्बतें फैलाना है, मिजाज मोहब्बतें बिखेरना है, तो वही काम ये मिट्टी बार बार करेगी। आओ हम सब मिलकर ये कहें कि मैं किस मिट्टी का हूं यारो मेरी पहचान लिख देना, मैं किस मिट्टी का हूं यारो मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। हमें एक दूसरे से ये भी कहना पड़ेगा कि ना तेरा है ना मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, ना तेरा है ना मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। आइए हजरात गिरामी, बहुत खूबसूरत माहौल आपने बना दिया है। एक शायर को और बुलाना चाहता हूँ, एक नौजवान शायर को बुलाना चाहता हूँ जिसकी उम्र मोहब्बतों की बातचीत करने की है। मिस कॉल करने और मिस कॉल का जवाब देने की उम्र में सोशल मीडिया के दौर में मोहब्बत बड़ी तेज रफ्तार हो गई है। सुबह को नौजवान लोग मोहब्बत शुरू करते हैं, शाम तक बच्चे का नाम रखने की बारी आ जाती है। इतनी तेज रफ्तार जिंदगी में जहां मोहब्बत इस तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ रही हो, ऐसे में एक नौजवान अपनी मोहब्बतों के जज्बात को किस तरह से आपके सामने पेश करेगा, इसका अंदाजा लगाना है। रूमाल ले लिया है किसी महजबीन से, कब तक पसीना पूछते हम आस्तीन से, रूमाल ले लिया है किसी महजबीन से, कब तक पसीना पूछते हम आस्तीन से, ये आंसुओं के दाग हैं आंसू ही धोएंगे, ये दाग धुल ना पाएंगे वॉशिंग मशीन से। आइए जोरदार तालियों की गूंज के बीच इस्तकबाल करते हैं बाराबंकी से आने वाले मेहमान शायर जनाब अली बाराबंकवी से। मेरी गुजारिश, तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजें नौजवानों के दिलों की धड़कन, वो नौजवान जिसने मुशायरे की महफिलों में नई नस्ल के अपने हमउम्र साथियों को मोहब्बत करने के नए नए तरीके समझाए हैं, नए नए तरीके बताए हैं। आइए मुलाकात करते हैं जनाबे अली बाराबंकवी से। हाजरीन महफिल, डाइस पर बैठे हुए तमाम शोरा इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह बरकात। दोस्तों मैंने सलाम किया है, कुछ उधार नहीं मांगा है आपसे, माशाल्लाह। एक मतला और दो तीन शेर हाजिर करता हूँ गजल के, सदरे मोहतरम की इजाज़त चाहते हुए मतला हाजिर करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तमामी हजरात की शिरकत होगी। पहली बार मेरी हाजिरी भटनेरा की सरजमीन पर अनीक भाई का हुक्म हुआ, दीगर हजरात तशरीफ रखते हैं, सबकी दुआएं चाहता हूँ, मतला पढ़ता हूँ समाज पर। साके लिखा खुमार लिखा जाम लिख दिया। आदर करता हूँ समाज साके लिखा खुमार लिखा जाम लिख दिया। साके लिखा खुमार लिखा जाम लिख दिया, जाम लिख दिया। साके लिखा खुमार लिखा जाम लिख दिया, एक
वाह 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 वाह। हाँ एक बार पूरा पिंडा ला दो ताकि इजाजत दे मुझे। हाँ माशाल्लाह। साके लिखा खुमार लिखा जाम लिख दिया जाम लिख दिया तुम पर न कोई आँच मोहब्बत में आ सकी तुम पर न कोई आँच मोहब्बत में आ सकी तुम पर न कोई आँच मोहब्बत में आ सकी तुम पर न कोई आँच मोहब्बत में आ सकी तुम पर न कोई आँच मोहब्बत में आ सके जाम लिख दिया। अली बाराबंकवी बहुत अच्छी गजल पढ़ रहे हैं, उसमें एक एक मिसरा ऐसा है कि आप चौंकेंगे। ये जब भी ये गजल पढ़ते हैं और जब ये मतला पढ़ते हैं साकी लिखा खुमार लिखा जाम लिख दिया, तो मैं सोचने लगता हूँ कि ये शायरी की मजबूरियाँ हैं कि इसमें रदीफ़ और काफ़िये का लिहाज और ख्याल रखना पड़ता है, वरना पहले मिसरे में सीधे सीधे कहा जा सकता था कि पहले मिसरे में कि विजय माल्या लिख दिया, दूसरे मिसरे में मैंने सारा। तो ये बहरहाल बहुत अच्छा है अली, बहुत खूबसूरत माहौल में अपना कलाम पेश कर रहे हैं। एक बार ज़ोरदार तालियों से अपने मेहमान शायर का हौसला बढ़ाइए ताकि ये खूबसूरत कलाम आपको सुनाए और आपकी बेहतर खिदमत करें। बहुत अच्छा आपने सुना, हाजिर करता हूँ शेर समाज फरमाए। जाम लिख दिया, एक शेर और पढ़ता हूँ बतौर खास समाज फरमाए। मुझसे किसी ने पूछा के ये जिंदगी है क्या, मुझसे किसी ने पूछा के ये जिंदगी है क्या, ये जिंदगी है क्या, मुझसे किसी ने पूछा के ये जिंदगी है क्या, जाम लिख दिया साके लिखा खुमार लिखा जाम लिख दिया। बहुत अच्छा आपने सुना। रवि राणा साहब जहाँ तशरीफ रखते हैं वहीं साजिद खान साजिद भाई अनीक भाई भी तशरीफ रखते हैं। मैं एक शेर और पढ़ता हूँ बतौर खास समाज फरमाए। समाज फरमाए। जाम लिख दिया मशहूर हो गई है वो राधा के नाम से, मशहूर हो गई है वो राधा के नाम से, मशहूर हो गई है वो राधा के नाम से, राधा के नाम से मशहूर हो गई है वो राधा के नाम से, मशहूर हो गई है वो राधा के नाम से, हमने भी अपने आप को घनश्याम लिख दिया साके लिखा खुमार।
क्या कहना क्या कहना, वाह 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 वाह, शुक्रिया, हाजिर करता हूँ। वाह वाह वाह, नीचे आ जाओ। नहीं नहीं, ये नीचे आ जाएंगे, आ जा बेटे। कमाल है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा इस्तकबाल हो रहा है अली बाराबंकवी। बहुत अच्छा आपने सुना, मैं एक मतलब और पढ़ता हूँ, समाज फरमाए। पढ़िए, दर्द का चांद ढले। ये गजल सुनिए भाई, क्या अच्छी गजल शुरू कर दी अली, वाह 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 वाह, तालियां बजा के जोरदार इस्तकबाल कीजिए और इस गजल को सुनिए जी लगा के भाई, वाह वाह वाह। दर्द का चांद ढलता रहा रात भर, दर्द का चांद ढलता रहा रात भर, अश्क गम उसकी आंखों से बहते रहे, वाह वाह वाह, अश्क गम उसकी आंखों से बहते रहे, अश्क गम उसकी आंखों से बहते रहे, अश्क गम कहना क्या कहना, रहा रात भर एक पत्थर पिघलता रहा रात भर। बहुत अच्छा आपने सुना, गजल का आखिरी शेर पढ़ता हूँ बतौर खास समाज फरमाए। एक पत्थर पिघलता रहा रात भर, आखिरी शेर मोहब्बतों के साथ समाज फरमाए। लूटने के लिए, लूटने के लिए मेरा ईमान वो, 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 दर्द का चांद ढलता रहा रात भर, दर्द का चांद ढलता रहा रात भर। बहुत अच्छा आपने सुना, चार मिसरे मैं पढ़ता हूँ और उसके बाद इजाजत, मैं अपनी जगह ले लूंगा। मगर मैं जो चार मिसरे पढ़ने जा रहा हूँ, जहाँ कहीं भी उन चार मिसरों को पढ़ा बड़ी मोहब्बतें मिली। ये भटनेरा है, अनीस भाई का हुक्म हुआ, मुझे सब यहाँ अपने दिखाई दे रहे हैं, बड़ी मोहब्बत से मेरी गजल को सुना। चार मिसरे पढ़ता हूँ और उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा जायका आपका चेंज करता हूँ। पढ़ता हूँ चार मिसरे, उम्मीद करता हूँ आखिरी मिसरे पे अगर बात सच्ची लगे कहीं से तो सबकी शिरकत चाहता हूँ। पढ़िए भाई, पढ़िए पढ़िए। लड़कियों की
अच्छा अच्छा हाँ, सबसे ज्यादा भाई को समझ में आया। हाजिर करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आखिरी मिसरे में सब मुझे दाढ़ी टोपी वाले माशाल्लाह नजर आ रहे हैं, सब मेरे अपने राणा साहब। अगर बात सच्ची हो पढ़िए, दुआएं चाहता हूँ, पढ़ता हूँ समाज फरमाए। लड़कियों की लड़कियों की लड़कियों की इसमतें जो कर रहे हैं तार तार, क्या कहना क्या कहना, कर रहे हैं तार तार। अगर बात सच्ची हो तो सबकी दुआएं चाहता हूँ, पढ़ता हूँ। लड़कियों की लड़कियों की इसमतें जो कर रहे हैं तार तार, कर रहे हैं तार तार, उनको उनको जिल्लत के समंदर में डिबोना चाहिए, में डुबोना चाहिए। क्या कहना क्या कहना, क्या कहना क्या कहना। अली बारा बंकवी आपकी खिदमत पे अपना कलाम पेश कर रहे हैं। अली, अगर ये चार मिसरे आपसे दोबारा पढ़वाने के लिए कहा जा रहा है, लड़कियों की इस्मतें जो कर रहे हैं तार तार, इस मिसरे में एक लफ्ज़ की तरमीम के साथ लड़कियों की जगह बेटियां कह के एक बार पढ़ के देखिए, इस इन चार मिसरों का एकदम जो असर है वो और ज़्यादा गहरा हो जाएगा। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए अली बारा बंकवी आपकी खिदमत में। अपना कलाम हाजिर करता हूँ, नदीम सर का हुक्म, राणा साहब का हुक्म, हाजिर करता हूँ समाज फरमाए। बेटियों की बेटियों की इसमतें जो कर रहे हैं तार तार, कर रहे हैं तार तार, उनको उनको जिल्लत के समंदर में डुबोना चाहिए, होना चाहिए। धर्म का धर्म का चोला पहन का, धर्म का चोला पहन कर जो करे अय्याशियां, ऐसे बाबाओं को सीधे फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। वाह 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 वाह, क्या कहना। ऐसे बाबाओं को सीधे फांसी होना चाहिए। आइए दोस्तों, बहुत अच्छा सुना, चार मिसरे और तारीख की रोशनी में हाजिर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जिन्होंने अब तक की मुझे दुआएं नहीं दी हैं, पिछली सफाले बड़े खामोश हैं, मैं उनसे भी दुआ चाहता हूँ, पढ़ता हूँ समाज फरमाए। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, अब इन मिसरों में मुझे ये देखना है कि आप जोरदार पढ़ते हैं या इधर वाले जो अंधेरे में बैठे हुए हैं बेचारे खामोश, ये जोरदार पढ़ते हैं। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तमामी हजरात की शिरकत होगी। समाज फरमाए। जहाँ पर शेर जहाँ पर शेर जहाँ पर शेर बकरी एक दर पर पानी पीते हो,
जहाँ पर शेर बकरी एक दर पर पानी पीते हो। हुकूमत से मैंने शिकवा किया, अगर वही शिकवा आपका भी हो तो सबकी दुआएं चाहता हूँ, पढ़ता हूँ। जी जी पढ़िए पढ़िए। जहाँ पर शेर बकरी एक दर पर पानी पीते हो, जमाने वालों तुम ऐसी हुकूमत लावो तो जाने, जमाने वालों तुम ऐसी हुकूमत लावो तो जाने। कमजोर पड़ रहे हैं आप लोग, हाजिर करता हूँ। जमाने वालों तुम ऐसी हुकूमत लावो तो जाने, वाह 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 वाह, क्या कहना क्या कहना, वाह वाह वाह। बस चार मिसरे और पढ़ो। शुक्रिया, दोबारा पढ़ दे। तो एक बार पूरा पंडाल हाथ उठा के इजाजत दे। अंधेरे वाले बड़े खामोश है उधर, हाँ लगना चाहिए कि आप सुन रहे हैं। हाजिर करता हूँ समाज में। जहाँ पर अली, ये बार बार अंधेरे वालों को निशाना मत बनाओ। जो लोग अंधेरे में बैठे होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, इनके चक्कर में मत पड़ो। जो रोशनी में है उन्हीं से काम चलाओ। हाजिर करता हूँ, बहुत अच्छा सुन रहे, मुझे ऐसा नहीं लग रहा मैं पहली बार हाजिर हुआ। अनीक भाई का हुक्म हुआ, साजिद भाई का। अच्छा अच्छा, गीत पढ़ना है। हाजिर करता हूँ समाप्त फरमा। जहाँ पर शेर बकरी एक दर पर पानी पीते हो, जमाने वालों तुम ऐसी हुकूमत लावो तो जाने। इरशाद पढ़िए, हाजिर करता हूँ। शुक्रिया, हाजिर करता हूँ मैं समाज पर। मैं उमर फारूक, क्या कहना, यहीं पे हमको जीना है, वाह, यहीं पा हमको मरना है। बेशक बेशक, वाह वाह वाह। दूसरा मिसरा चौका है तो यहीं पर हमको जीना है, यहीं पर हमको मरना है। यहीं पा हमको जीना है, यहीं पर हमको मरना है। यहीं पा मर के सीधे अपने कब्रिस्तान जाएंगे। यहीं पा हमको जीना है, यहीं पा हमको मरना है। यहीं पा मर के सीधे अपने कब्रिस्तान जाएंगे। जा
पाकिस्तान जाएंगे हम अपनी छोड़ के। क्या कहना, क्या कहना,